नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वी मैथ्री त्रिपाठी। सुबह 10 बजे के बुलेटिन में आपको सीएम बनने के बाद तीसरी बार गोरखपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ की गोरखधाम मंदिर में विशेष पूजा और गौ सेवा की तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत नापाक हरकतों की खबर से करते हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। आज सुबह पाकिस्तान की तरफ से नौशेरा सेक्टर में फायरिंग की गई। हैवी मशीन गन और मोर्टार से गोले दागे गए। भारतीय चौकियों के अलावा कलसिया और बाबाखोरी गांव को निशाना भी बनाया गया। इस फायरिंग में गांव के स्कूलों को भी नुकसान पहुंचा है। तो सुबह सुबह नौशेरा सेक्टर में फायरिंग की गई। सुबह करीब 7:15 बजे से फायरिंग शुरू हो गई थी। स्कूलों को भी निशाना बनाया गया। कई दिनों से रुक रुक कर इस पूरे इलाके में फायरिंग हो रही है। तीन तस्वीरें इसी घटना से जुड़ी हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह सुबह करीब 7:15 बजे फायरिंग शुरू हुई। नौशेरा सेक्टर में फायरिंग की तस्वीरें, पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर मोर्टार शेल की है जो गिरे हैं। कई जगह इस तरह के शेल्स गिरे हुए हैं, मोर्टार दागे गए हैं रिहायशी इलाकों में। और इसके अलावा स्कूल्स को भी निशाना बनाया गया है। नौशेरा सेक्टर में कई स्कूल्स को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान पिछले कई दिनों से रुक रुक कर नौशेरा में फायरिंग कर रहा है। आपको अब दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर आज की है और दूसरी तस्वीर गुरुवार की है। आज की तस्वीर जिसमें सुबह में फायरिंग की गई, नौशेरा सेक्टर में फायरिंग की गई, जिसकी तस्वीर हम अभी आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर गुरुवार की है। गुरुवार को भी इसी तरह से इसी सेक्टर में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। इसमें एक महिला की मौत भी हो गई थी। दो दिन पहले यानी 11 मई को इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडयाल नौशेरा सेक्टर के गांव में पहुंचे थे। अजय की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त नौशेरा एलओसी सेक्टर के जंगल गांव में पहुंची है। और आपको बता दूं, हम इसमें एक स्कूल में हैं। ये बॉर्डर के बिल्कुल पास का स्कूल है। और यहां अगर आप देखें तो इस स्कूल में एक मोर्टार शेल जो है आज सुबह आकर यहां गिरा है। आप सोच सकते हैं कि किस कदर हथियारों का इस्तेमाल जो है पाकिस्तान कर रहा है। ये एक दीवार जो थी यहां पर, इस दीवार को, ये बाथरूम है स्कूल का, और ये दीवार इसको तोड़कर जो है चकनाचूर कर गया है। और यहां जो सामान पड़ा था, लोहे के जो बच्चों के झूले हैं वो यहां पड़े थे, जो खिलौने बच्चों के यहां थे, जो कहीं ना कहीं उनके खेलने के थे, वो सारे यहां कर टूट चुके हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जिधर भी ये स्प्रिंटर्स गए हैं, पूरे स्कूल जो है उसको यहां पे छलनी किया हुआ है। लोहे के आप ये देखेंगे ये झूले हैं बच्चों के, इनको बड़े बड़े सुराख जो है हो चुके हैं। पानी की टंकी यहां पे ये पड़ी हुई थी और ये स्प्लिंटर जो है इसको लगे हैं और इसको भी जो भरी हुई पानी की टंकी थी उसे चकनाचूर कर दिया है। और यहां तक कि आसपास की जितने भी यहां बिल्डिंग स्कूल की थी उस सारी बिल्डिंग को जो है इसको नुकसान पहुंचा है। और आप अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि बड़े बड़े पेड़, बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है वो यहां पर चकनाचूर इस फायरिंग में हो चुकी है। और अगर यही कोई इंसानी जान इस फायरिंग की चपेट में आ जाती तो क्या होता। मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आपने ये हाथ में क्या है पकड़ा हुआ? ये मटर के गोले वगैरह जो भी हैं, ये सामने शेलिंग स्प्लेंडर हैं। और आप यहाँ से पीछे जाएंगे? पीछे जाना चाहेंगे, बच्चों को मारना थोड़ा, इधर थोड़ा रहना क्या है। हम इधर देखो रोड पे सब कुछ गाड़ियां लोगों की, उनको लगे हैं स्प्लेंडर, हर चीज है, क्या करेंगे यहाँ पे रह के भी। आपको बता दूं, स्कूल में जब शेल गिरे उसकी जानकारी जैसे लोगों को मिली है, उसके बाद यहाँ अगर आप देखेंगे तो लोग, स्थानीय लोग जो है यहाँ स्प्लेंडर, हर चीज है, क्या करेंगे यहाँ पे रह के भी। आपको बता दूं, स्कूल में जब शेल गिरे उसकी जानकारी जैसे लोगों को मिली है, उसके बाद यहाँ अगर आप देखेंगे तो लोग, स्थानीय लोग जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि पूरी रात से ये घरों में दुबके हुए थे और अब ये घरों से निकलकर जो है यहाँ आए हैं। इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताएं कि कितनी फायरिंग हुई रात को? बहुत ज्यादा फायरिंग हुई, बहुत ज्यादा, पूरी रात 9:30 शुरू हुई तो 8 बजे तक थोड़ा सारा वक्फा मिला। जियो इधर आए, हमने देखा इधर, उसके बाद जगदम फिर शुरू हो गई। फिर आपका घर कितना दूर है स्कूल? बिल्कुल पास में तो है, पास में है ना हमारा घर, हम इधर ही रहते हैं ना, बिल्कुल छुप के पूरी रात हम डरी डरी कर, बहुत मुश्किल थी हमारी। फर्स्ट घर है हमारा पास में,
तो 9:30 से अब तक अभी थोड़ी देर हुई है, 10-15 मिनट। डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत डर है, मौत हमारे सिर के ऊपर है, डर नहीं लग रहा तो क्या हुआ। आप हमारे बच्चे तो रोते, हम खुद रो रहे थे, बड़े भी रो रहे थे। आप समझ सकते हैं, अगर यहाँ से पीछे की ओर देखेंगे तो ये जो पहाड़ी है इसके ठीक दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान का कब्जे वाला इलाका शुरू होता है। वहीं बात करते हैं हमारे संवाददाता अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, अभी फिलहाल क्या हालात हैं सबसे पहले ये बताइए, और फायरिंग क्या चल रही है अभी भी? दोबारा अपने संवाददाता से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये 3 तस्वीरें इसी घटना से जुड़ी हुई आप देख रहे हैं। नौशेरा में लगातार फायरिंग हो रही है, रुक रुक कर पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। गुरुवार को भी इसी तरह से फायरिंग हुई और आज भी सुबह से फायरिंग जारी है।